Welcome to our channel. Introducing Semco BCDS V100 Volt 100 Ampere 1 Channel. Battery Pack Cycle Life Test. Battery Charge Discharge Characteristics Test. Charge Retention Ability Test. Battery Charge and Discharge Efficiency Test. Battery Overcharge. Let's peek into the connection of this machine. Connect the machine with the battery pack. Connect the machine to the computer through a CAN communication cable. Connect the machine to the power source. Hello guys, so aaj hum log discuss karne ja rahe hain Semco BCDS 100 volt 100 एम्पियर बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैबिनेट के बारे में। बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैबिनेट है, ये हमारा बैटरी पैक है जिसको चार्ज और डिस्चार्ज करने के काम में आता है। तो हमारे सर्विस इंजीनियर बताएंगे इसके बारे में और डिटेल्स। आप इस मशीन के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा 100 वोल्ट 100 एम्पियर बैटरी टेस्टर है। इसमें हम 100 वोल्ट तक की बैटरी को टेस्ट कर सकते हैं, चार्ज और डिस्चार्ज 100 एम्पियर दे सकते हैं। और इसमें सिंगल फेज इनपुट आएगी, 220 सप्लाई आएगी और इसके ये सिंपल कनेक्शन है। आउटपुट जो निकलेंगे वो सिंगल नेगेटिव और एक पॉजिटिव वायर लेंगे जो हम यहाँ पे देते हैं 220। और इसको आउटपुट जो निकलती है ये एक सिंगल वायर से निकलती है, इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव वायर होता है। और इसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए एक रिबन केबल लगाई दी है। कनेक्टर से फिर इथरनेट केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, इस मशीन को ऑन करते हैं। ये मशीन के यहाँ पे लाइट जलेगी रेड कलर की। जब हम इसको सॉफ्टवेयर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे चैनल शो हो जाएगा, और जब हमने कनेक्ट कर रखी है बैटरी तो यहाँ पे वोल्टेज शो हो गया। ये 48 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पे 48 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहा है डिस्प्ले पे। 48 वोल्ट शो हो रहा है, जितने वोल्ट की बैटरी होगी यहाँ पे शो होगा। और फिर हम इसको रेसिपी बनाएंगे। यहाँ पे हम जो हमने रेसिपी बनाई है उसको हम यहाँ पे लोड टेस्ट प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे अलग अलग बैटरी टाइप के हर एक प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे जो मॉडल होगा हमारी बैटरी का 54 वोल्ट 72 वोल्ट 64 वोल्ट अलग अलग हम रेसिपी बना सकते हैं अपने हिसाब से, जिस बैटरी का हमें चलाना है। जैसे हमने ये 48 वोल्ट वाली बैटरी को चलाना है तो यहाँ पे हमने एक सेव कर रखा है 54 वोल्ट एंड वोल्टेज, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे रेसिपी का नाम आ जाता है, जैसे हमने पंकज डाल रखा था। और फिर हमको स्टार्ट करने के लिए इसको सिंपली स्टार्ट रन कर देंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अब ये करंट लेना स्टार्ट हो जाएगा, ये 20 एम्पियर करंट हमारा लेने लग गया।